this song is very different from what I thought it would be and from what I thought I will sing. और वो भी ऐसे time पे when this is my second song जो मैंने गाया है. और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कैची है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाने में. और आई होप आप देखेंगे गाना तो उतना ही अमेजिंग वीडियो भी बनाया है और बहुत मेहनत करके पूरी रात शूट करके बनाया है और लोगों ने पूरे पूरे तीन तीन चार चार दिन रिहर्सल भी किया है. सो आई होप आपको गाना भी अच्छा लगे एंड इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग. सो यार मुझे भी लाइक बहुत अच्छा लगा गाना बिकॉज मैंने जो फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना था तो मैंने भी सेट पर ही सुना और जो टाइटल जो है और आयान के टाइप का सॉन्ग है ना, रैप है उसमें. एक्चुअली जो रैप इज एक्चुअली माय फेवरेट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है रैप. सो उसी टाइप का है. मुझे स्टार्ट का पार्ट भी बहुत अच्छा लगा. सो मैं भी हूँ इसके अंदर थोड़ा टाइटल ट्रैक में. सो जल्दी देखिए एक्टिंग फॉर श्योर. सी इट्स समथिंग. ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि वो शुरुआत मेरी उससे हुई थी और इतने सालों से मैं कर रही हूँ और मेरा पैशन है एक्टिंग और सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. बट इफ़ यू कंपेयर इट देन ऑफ कोर्स एक्टिंग प्रेफर. देखिए प्रेफर किया तभी सॉन्ग लॉन्च हुआ और तभी मैं मेहनत करती हूँ गाना रिकॉर्ड करने से पहले. और कोई भी एक एक्चुअली प्रोफेशन है यू नो. मैं अगर एज ए सिंगर लॉन्च हुई हूँ तो उसको मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेती या बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती. जो भी गाना, ये गाने की भी मैंने प्रैक्टिस की है, इसमें मेरी चार पांच ही लाइंस हैं लेकिन तो भी मैंने इसकी दो दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने जाके गाना रिकॉर्ड किया. सो या आई लव टू सिंग बट एक्टिंग इज़ लाइफ. तो ऐसा लोगों को सिर्फ इसीलिए लग रहा है बिकॉज इसमें टॉकर्स जो भी हैं वो इन्फ्लुएंसर्स घर के अंदर रहने वाले हैं. बट ये बिग बॉस से बहुत अलग है. लोग इसे अक्सर रेफरेंस देते हैं बिग बॉस का बिकॉज फिर वो लोगों की समझने के लिए ईजी हो जाता है काफ़ी. लेकिन ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है. आप इसको जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना अलग है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे तो फ़ोन भी अंदर दिए जाएंगे लोगों को कि वो वीडियोस बनाएं या यूज़ कर सकें. तो ये उतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है. और क्योंकि ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है तो वो आपको देखने पर ही समझ आएगा. सो यार स्ट्रैटेजीज, नो नो प्लीज नो. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट स्ट्रैटेजीज. नथिंग लाइक मैं जो भी करूँगा लाइक वहीं पे जो भी होगा वो वहीं पे देख के करूँगा. मैं कुछ पहले से स्ट्रैटेजी आयान इज नॉट गोइंग इनसाइड द हाउस. मैं नहीं रहा हूँ. या सो वी बोथ आर देयर इन द टाइटल टाइटल सॉन्ग या द वीडियो म्यूजिक विद स्ट्रैटेजीज. ही इज नॉट इन द हाउस. आई एम नॉट इन द हाउस. ही इज नॉट इन द हाउस बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल दैट आई विल रिवील लेटर. नो नो नो. सो नाउ दैट आई सेड इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज. व्हाट आई एम, यू विल सी मी इन टॉकर्स हाउस. बहुत सारे, बहुत दिनों, बहुत बहुत एपिसोड्स में देखोगे. बट आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द हाउस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई लव हर पर्सनली बिकॉज ऑफकोर्स वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. तो जब उनका वो सॉन्ग आया था एक कमली, वो जब मैंने देखा ना तो उसके बाद से आई इज लाइक ओ माई गॉड, शी इज़ लाइक द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस और समथिंग. एंड जब इसके लिए आया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. शी पर्सनली कॉल्ड एंड सब कुछ एक्सप्लेन किया और बहुत खुश हुई मैं ये जान के कि नाउ शी इज़ कमिंग अप विद दिस न्यू थिंग जो यू नो जिसकी ज़रूरत हर लड़की को होती है. एंड देन शी थॉट आई विल बी द राइट पार्ट ऑफ इट. और उसके इतने कम लोगों में से उनको लगा कि मैं उसका पार्ट बन सकती हूँ उनके लॉन्च लेबल का. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल. तो म्यूज़िक एल्बम्स तो मेरे आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, वो सारे अपडेट्स मैं देती रहती हूँ आप लोगों को. लेकिन कोई भी मेरा सिंगल जो जब आएगा जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली एक्साइटेड हूँ बिकॉज फीचर तो हम करते रहते हैं बट यू नो सिंगिंग अ सॉन्ग एंड अपियरिंग इन द वीडियो इज समथिंग वेरी हैपनिंग फॉर मी. सो इफ़ दैट कम्स एनी टाइम सून आई विल लेट यू गाइज नो एंड वी आर ऑल प्लानिंग फॉर दैट. सो आई लव टू वॉच एवरी रियलिटी शो. I love to watch reality shows but I don't want to be a part of any particular show or anything as a contestant because I think I can't go into singing alone because there are talented people out there you know and I will stand nowhere if I sing in front of them because bachpan se seekh rahe hain aur itne mashallah talented log hain. Aur dancing I like but I don't think I will like to go as a contestant ya to utna wo karke. So no 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 that is what I said. I don't want to be a part. I knew this is going to come now. Yeah, I am following Big Boss and you won't believe I missed 3 episodes. I came back yesterday from Armenia and I completed watching 3 of them today. Because Armenia mein vote nahi chalta. Yes.
वाइल्ड कार्ड एंट्रीज. मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने देख लिया और मुझे ये वाला सीज़न पिछले 3-4 सीज़न से बहुत बेटर लग रहा है और इस बार के कंटेस्टेंट्स बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे पर्सनली देखने में बहुत मज़ा आ रहा है. हाँ, वेरी एंटरटेनिंग. जब उनकी एंट्री स्टेज पर हुई थी वीकेंड पर सलमान सर के साथ, मैं तभी से बहुत एक्साइटेड थी और मैं वेट कर रही थी कि घर के अंदर कब जाएंगे और वो फाइनली घर के अंदर गए 2 एपिसोड पहले और बहुत सही हैं, बड़े कूल हैं. वो एक ही उनका अंदाज है, वो वैसे ही रहते हैं. सो आई लाइक सच यू नो जेन्युइन पीपल जो बिल्कुल भी बनते नहीं हैं. क्या ऑब्जेक्शन है, वो डिजर्विंग नहीं है. ओह माय गॉड, लैंग्वेज की वजह से. आई थिंक दैट लैंग्वेज वो अगर यूज़ करते होंगे तो वो यहाँ पर यूज़ करते होंगे. मैंने बिग बॉस में उनको गाली देते हुए नहीं सुना. सो आई डोंट थिंक कि हम किसी को भी इस तरह जज करके बोल सकते हैं कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं है. अगर वो डिजर्विंग नहीं होते तो बिग बॉस इतना बड़ा शो है, उसमें वो नहीं जाते. सो यू नो इसके पीछे इतने टैलेंट, इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं ये सब देखने के लिए कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है. सो आई डोंट थिंक किसी को भी इस तरह जज करना सही है. मैं बाहर से देखना बहुत पसंद करती हूँ सबको, बट मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगी. थैंक यू.